हेलो नमस्कार आदाब सत श्रीकाल राधे राधे जैसे कृष्णा कैसे हो साथियों मैं हूं आपका दोस्त अंकुर पारिक और आप सभी का स्वागत और अभिनंदन आपके अपने मंच पर करता हूं प्यारे साथियों मेरे साथ में है तिश्या सोनानी निहान नीतू दीपिका पूनम मीरा नीतू सीमा आचल आ, अनामिका सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है जल्दी से जुड़ जाइए हम आपके अपने चैनल के साथ में आपके अपने टीचर के साथ में जिसके अंतर्गत हम और आप मिलकर अध्ययन कर रहे हैं भैया ई एम आर एस के लिए एग्जाम्स का और यहाँ पर हमने आपको जो अभी पढ़ाया है वो है विश्व इतिहास ठीक है वर्ल्ड हिस्ट्री के लगभग दो टॉपिक हम कर चुके हैं आ, दो क्लासेज हम कर चुके हैं और तीसरी और आखिरी क्लास हम कर रहे हैं चलिए बहुत बढ़िया ठीक है अंकित कुमार जय श्री कृष्णा धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद और आज हमारे अंकित भैया हमारे साथ में नहीं हैं आरिफ भैया हमारे साथ नहीं है क्योंकि तो किसी इमरजेंसी काम की वजह से मुझे अपने घर से ही क्लास लेनी पड़ रही है लेकिन लव यू ब्रदर्स चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास बस आप आराम से क्लास लीजिएगा ऑडियो वीडियो सब कुछ आपको सुनाई दे ही रहा है तो भैया यहाँ पर पिछली क्लास के अंदर जो टॉपिक चालू करा था उसी टॉपिक को हम करते हैं जो है फ्रांस की क्रांति फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करे जाएगा टॉपिक सभी बच्चे अंत तक जुड़े रहिएगा ठीक है चलिए तो भैया यहाँ पर जो पिछली क्लास में हमने छोड़ा था वहीं से काम आगे कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति या फ्रेंच रिवॉल्यूशन ठीक है साथ साथ में नोट डाउन करते रहिएगा तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाएगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रांस की क्रांति नाम से ही पता लग रही है कौन से देश के अंदर हुई होगी फ्रांस के अंदर हुई होगी फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी जिस समय वहां के राजा थे लुई सोला और लुई सोला बहुत थरकी ठीक है ठीक है वो लुई सोला थे वो एकदम थरकी इंसान थे पागल इंसान थे वो ये कहते थे मैं राजा हूं और यही मेरा शासन है एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की नहीं सुनता ठीक है हो सकता है वांटेड मूवी के जो राइटर्स है उसने ये डायलॉग वहां से लिया है ठीक है तो याद रखना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो हुई थी वो भैया आपकी लुई सोला के टाइम पर हुई थी लुई सोला उस समय किंग था टाइम हुआ था ये 1789 एक्चुअली फ्रांस के अंदर क्या हुआ था फ्रांस के अंदर गणतना राजतंत्र था राजा का ही शासन फ्रांस के अंदर चलता था और भैया इसी राजा का जब शासन फ्रांस के अंदर चलता था तो भैया यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे एक बार की बात है फ्रांस में अकाल पड़ गया लोग भूखे मर रहे थे तो रानी से किसी ने कहा कि रानी साहिबा हम भूखे हैं तो नीड सम ब्रेड तो पता है रानी क्या बोलती है बावली रानी रानी बोलती है अगर आप भूखे हो अगर आपको रोटी नहीं मिल रही तो भैया एक काम करो ब्रेड खा केक खा लो इफ यू नॉट फाइंड ब्रेड यू कैन ईट ए केक ठीक है इस तरीके के मूर्ख आदमी कभी कभी इतिहास के अंदर मिल जाते हैं ठीक है फाइनली क्या हुआ फाइनली यहां पर लुई सोला को क्या हो गया फांसी दे दी गई इसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा और इसको पूरे परिवार के साथ में कैपिटल पनिशमेंट दे दिया चलो ठीक है ऐसे ऐसे लोग थे केक खा लो ठीक है आप सोचते हो हमारे यही पप्पू है पप्पू हर जगह होते हैं ठीक है चलिए अब भैया आगे की तरफ हम देखते हैं कि इसके अंदर एक नारा दिया गया था जिसका नाम है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व ठीक है याद रखना इस क्रांति के अंदर एक नारा दिया गया था स्वतंत्रता समानता बंधुत्व अगर मैं इसको इंग्लिश में कहा ट्रांसलेट करूं तो यह होगा लिबर्टी इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी और भाई साहब ये बात याद रखना इसी नारे को सेज इट इज हमने भारतीय संविधान के अंदर प्रस्तावना में लिया था इसी नारे को हमने संविधान के अंदर प्रस्तावना यानी कि भैया प्रियम्बल के अंदर शामिल कर लिया था ठीक है याद रख लेना क्लास को शेयर करो है ना इतनी बढ़िया क्लास तुम्हारी हो रही है इतनी शानदार तरीके से ठीक है चलिए अब फ्रांस की क्रांति के अंदर बहुत सारे राइटर्स का भी योगदान था यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था कोई नई चीज नहीं पढ़ाई अब देखिए भैया यहाँ पर जो फ्रांस की क्रांति थी उसके अंदर कुछ बड़े बड़े राइटर्स का योगदान था कुछ लेखकों का योगदान था चलिए भैया इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो इम्पोर्टेंट लेखक है राइटर्स है उनके बारे में आपको कुछ कुछ बता देते हैं जैसे कि भैया सबसे इम्पोर्टेंट है रूसो ठीक है रूसो याद रखना नाम इनका रूसो है पर भाई साहब काम इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के अंदर करा है रूसो को रूस से मत समझ जाना ठीक है चलिए मैं बहुत अमीर हूँ मैं बचपन में अक्सर रूस जाया करता था वैसे नहीं कन्फ्यूजन करना है रूसो इज बिलोंग टू द फ्रेंच रिवोल्यूशन और रूसो राइटर थे उन्होंने भैया एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम क्या था सोशल कॉन्ट्रैक्ट याद रखना रूसो की एक किताब थी जिस किताब का नाम क्या था सोशल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है चलिए तो याद रखना ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है रूसो भैया की जो किताब थी उसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है सामाजिक ताना बाना किस तरीके से होता है वो मैं आपको इस किताब के थ्रू समझाता हूँ ये रूसो ने कोशिश करी थी ऋषि रिजू अनारफी सभी का स्वागत है बच्चों क्लास को शेयर करो है ना मज़ा नहीं आ रहा आप लोगों को फ्री पढ़ा रहा हूं देखिए आप लोगों को पढ़ाना है इसलिए अगर मैं ऑफिस नहीं आ पाया तो मैंने घर से ही स्टूडियो से क्लास नहीं है सोचो कितनी मेहनत लगी होगी अंकित को कि पूरी व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर ले और उसके बावजूद अगर आप क्लास लाइक नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा उसके बाद में भैया एक आदमी थे मॉन्टेस ठीक है एक आदमी थे एक और लेखक थे जिनका नाम था मॉन्टेस्व ठीक है तो ये जो मान्टेस्क्यू भाई साहब है इनके द्वारा भी एक किताब लिखी जाती है जिसका नाम है कानून और आत्मा ठीक है क्या नाम है सॉरी कानून की आत्मा सोल ऑफ लॉ ठीक है चलिए तो याद रखना इनकी किताब का नाम था सोल ऑफ लॉ कानून की आत्मा ठीक है याद रखना एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको है ना कानून की आत्मा आज अपन को वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी करनी है ताकि मंडे से अपन कोई नई क्लास चालू कर सकें सभी स्टूडेंट प्लीज लाइक करे यही तो बिहार का रवैया है सर अगर फ्री में क्लास दीजिएगा ऋषि राजक हो सकता है ये आपका सही है लेकिन फिर भी हम हमारे हिसाब से क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा आप सभी बच्चों की वजह से हम हैं आप सभी बच्चों ने बहुत प्यार दिया है पिछली ही एम आर एस भर्ती के अंदर आप देख लीजिए टारगेट अभिचन का क्लासेस से कितने सिलेक्शन हुए थे डेट्स वाई हमने यहाँ पर करा है चलिए उसके अलावा एक और व्यक्ति थे वाल्टेयर वाल्टेयर जो व्यक्ति थे उन्होंने लिखा था वाल्टेयर भैया ने भी एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था लेटर्स इन ऑन इंग्लिश अंग्रेजी पर पत्र लेटर्स ऑन इंग्लिश अंग्रेजी पर पत्र अब देखिए बेटा परीक्षा के अंदर प्रश्न कैसे आएगा एग्जाम के अंदर सवाल आएगा रूसो मोन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर का संबंध किस क्रांति से है तो भैया इन तीनों का संबंध है फ्रांसीसी क्रांति से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रूसो वोल्टेयर और भैया मोंटेस्क्यू इन तीनों का संबंध है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रूसो ने लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था सोल ऑफ लॉ वोल्टेर ने लिखा था लेटर्स ऑन इंग्लिश ठीक है बच्चों चलिए जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अंकित जी ने कहा है प्लीज लाइक कर दो बिल्कुल गलत बात है भैया आपके लिए मेहनत हो रही है और आप लाइक तक नहीं कर रहे हो तो फिर है ना हमारी टीम को भी लगता है यार हम किन के लिए मेहनत कर रहे हैं कौन ये वो बच्चे तो नहीं है जिनके लिए भैया हम इतना मेहनत करते हैं चलिए नेपोलियन अब आते हैं भैया एक और व्यक्ति अब इस रेवोल्यूशन के बाद में भैया फ्रेंच क्रांति के बाद में फ्रांस के अंदर एक व्यक्ति का जन्म होता है एक व्यक्ति का उदय होता है जिसे कहा जाता है नेपोलियन ठीक है याद रखना फ्रांस के अंदर एक और भैया हीरो पैदा होता है जिसका नाम है नेपोलियन ठीक है ये जो नेपोलियन है ये भैया आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता है वेरी इंपॉर्टेंट इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रांस की क्रांति के अंदर ही है नेपोलियन भैया 1804 के अंदर फ्रांस का सम्राट बनता है 1804 के अंदर ये भैया फ्रांस का किंग बनता है राजा बनता है नेपोलियन को नेपाल का राजा मत बना देना मुझे डर लगता है तुमसे ठीक है <laughs> चलिए उसके अलावा नेपोनियन भाई साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था सो चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन अच्छा होता है सो चूहों के बजाय एक शेर का शासन अच्छा होता है इनका एक कोटेशन था कि भैया अलग अलग सो चूहे मिलाकर सो चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन बेहतर होता है ये बात किसने कही थी ये बात कही थी भाई साहब नेपोलियन ने ठीक है और फिर से मुझे लगता है कि हमारे जो चुनावों के अंदर अभी हमारे इंडिया के अंदर चुनाव हो रहे हैं तो भैया जो एड कैंपेनिंग है उन्होंने भी भैया इनको पढ़ा दिखता है तभी तो कह रहे हैं वो सारे कहते हैं मोदी हटाओ मैं कहता हूं देश बचाओ ठीक है इंदिरा गांधी ने भी यही कहा था है ना इंदिरा गांधी ने भी यह कहा था वो कहते हैं इंदिरा हटाओ मैं कहता हूं देश बचाओ ठीक है तो इस गरीबी हटाओ तो यहां पर नेपोलियन का स्टेटमेंट था सोचू हो की अपेक्षा एक शेर का शासन बेहतर होता है नेपोलियन को भैया फादर ऑफ मॉडर्न फ्रांस भी कहा जाता है इसे भाई साहब फादर ऑफ मॉडर्न फ्रांस आधुनिक फ्रांस का पापा सॉरी पिता ठीक है आधुनिक फ्रांस का पिता भी कहते हैं ठीक है ध्यान से देखना और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों से कि क्लास के अंदर आप साथ साथ में नोट्स भी बना रहे हो चंदा कुमारी गुड इवनिंग ठीक है चलिए यहाँ पर नेपोलियन जीतता रहता है और भाई साहब यहाँ पर एक लड़ाई होती है वाटरलू की लड़ाई ठीक है वाटरलू की लड़ाई के अंदर नेपोलियन हार जाता है और एक तरीके से नेपोलियन ने जो जो जीता वो सारी की सारी चीजें हार जाती है ठीक है नेपोलियन बाईस जोश में आकर रूस पर अटैक कर देता है देखिए ज्योग्राफी एक बहुत बड़ी चीज होती है और जो रूस था उसके साथ में सबसे अच्छी चीज थी उसकी ज्योग्राफी रूस का इलाका बहुत बड़ा है हिटलर ने भी यही गलती करी सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने रूस पर अटैक कर दिया नेपोलियन ने भी यही गलती करी तो इसीलिए जिस जिसने रूस से पंगा लिया है उस उसका पतन हुआ है पुतिन भी अभी ऐसा ही आदमी है ठीक है पूरे यूरोप को पूरे वर्ल्ड को अपने कंधों पर नचा रखा है चलिए लेट्स रिवाइज और उसके बाद में हम चलते हैं आगे की तरफ इटली और जर्मनी के एकीकरण पर एक बार जल्दी से दो मिनट में रिवाइज कर लीजिए बेटा सबसे पहले लुई सोल्वे के टाइम पर फ्रांस की सीधी क्रांति हुई थी सेवनटीन के अंदर फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श वाक्य थे स्वतंत्रता समानता बंधुत्व ठीक है चलिए उसके बाद में भैया यहाँ पर एटीन ट्वेंटी वन में अठ ठीक है चलिए उसके बाद में राइटर थे रूसो मोंटेस्क्यू, वाल्टेर ये तीनों आपके एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था एक बार डीएसएसबी में रूसो वोटेस्क्यू और वाल्टेयर का संबंध किस क्रांति से हो सकता है अब एक लेवल ऊपर जाकर किताब पूछ ले तो आपको इन तीनों की बुक याद रखनी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट सॉल ऑफ लॉ एंड लेटर्स ऑन इंग्लिश नेपोलियन भाई साहब फ्रेंसिसी क्रांति के बाद में अठारह सौ चार में राजा बनते हैं सो तो चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन बेहतर होता है इनको फादर ऑफ मॉडर्न फ्रांस करते हैं और ये उसके बाद में बड़े राज्यों पर अटैक करता है बहुत सारी जीतता है पर अंतिम लड़ाई जो होती है वाटरलू उसके अंदर भाई साहब हार जाता है उसके अंदर हार जाता है ठीक है चलिए अब यहाँ पर और उसके बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है 1821 के अंदर 1821 के अंदर बिल्कुल वाटंडू की लड़ाई 1815 के अंदर होती है और भाई साहब 1821 के अंदर नेपोलियन की डेथ हो जाती है तो फ्रांस की क्रांति और उसके बाद में नेपोलियन ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली ठीक है चलिए अगला आपके दो देशों का एकीकरण इतिहास के अंदर हुआ था छोटी छोटे पॉइंट में आपको याद रखना है इटली और उसके अलावा आम, क्या बोलते हैं जर्मनी तो अगला है इंटीग्रेशन ऑफ इटली देखिए सब्जेक्ट ऐसा है कि इसके अंदर आप ठीक है जितना भी पढ़ोगे उतना आपका कम होगा ठीक है जितना आप पढ़ोगे उतना आपका कम होगा ठीक है यानी कि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है दिस इज ए लार्ज सब्जेक्ट तो आपको क्या करना है आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू तो पॉइंट पढ़ना है आपको देखना है हाँ अगर किसी का हिस्ट्री ऑनर्स ही सब्जेक्ट है हिस्ट्री में ही उसको अगर वो क्या करना है आ, क्या कि मतलब हिस्ट्री के अंदर ही उसको पीजीटी करना है कॉलेज लेक्चर देना है तो उसके लिए बड़ा है बाकी बच्चों के लिए जनरल स्टडीज में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना मोर देन सफिशियंट है उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे तो भैया क्वेश्चन प्लस थ्योरी इतना काम कर लिया तो उसके बाद में नैया पार हो जाएगी तो भैया इटनी के एकीकरण का जो जनक है वो भैया याद रखना वो आपके मेजेनी को माना जाता है इटली के एकीकरण के अंदर जनक माना जाता है मैजीनी को देखिए एक्चुअली इटली के अंदर जो ऑस्ट्रिया था वो ऑस्ट्रिया इटली का दुश्मन था ऑस्ट्रिया ने कोशिश करी कि इटली एक ना हो जाए लेकिन इटली के ए, के अंदर एक हो गया ठीक है तो याद रखना इटली का जनक मेजनी था ऑस्ट्रिया जो था वो ऑस्ट्रिया इटली एकीकरण के अंदर क्या बन रहा था बाधा बन रहा था इसी के अंदर एक पॉइंट और याद रखना है जिससे एग्जाम में प्रश्न आता है कि भैया यहां पर गेरी बाली नामक एक बंदा था जिसने एक सेना बनाई थी जिस सेना का नाम था रेड शर्ट सेना ठीक है गेरी ने भैया एक सेना बनाई थी जिस सेना का नाम था लाल कुर्ती सेना लाल कुर्ती सेना ठीक है रेड शर्ट आर्मी बस ये तीन ही फैक्ट आपको इस पॉइंट में याद रखना है इटली के एकीकरण का जो जनक कहा जाता है फादर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इटली डेट इज कॉल्ड जे मै नी सॉरी मेजिनी, ठीक है किस देश की वजह से इटली के एकीकरण में प्रॉब्लम आ रही थी वो था भैया ऑस्ट्रिया और गेरी ने एक आर्मी बनाई थी जिस आर्मी का नाम है लाल कुर्ती सेना ठीक है चलिए भैया अब यहाँ पर इटली के साथ साथ में इंटीग्रेशन हुआ था बिस्मा जर्मनी का भी इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी देखिए ये इटली हो जर्मनी हो ये सारे के सारे देश पहले टूटे हुए थे और दूसरे देश चाहते थे कि ये टूटे रहे लेकिन इनके लोगों ने और खासकर यहाँ पर ऐसे लीडर हुए जिन्होंने इस देश को जोड़ने का काम करा इटली से ज्यादा कठिन था जर्मनी ठीक है चलिए यहाँ पर याद रखना जर्मनी का एटीकरण किसने करा था बिस्मार्क ने करा था जैसे वहाँ पर मैं जीनी था वैसे यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जाता है बिस्मार्क को ठीक है बेटा एक बार कमेंट में बताते रहो कि नोट डाउन कर रहे हो ना बिस्मार्क के लीडरशिप में जर्मनी का एकीकरण हुआ था यह पॉइंट आपको याद रखना है उसके बाद में भैया यहाँ पर एक सबसे शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था प्रशा जर्मनी के अंदर एक राज्य था जिसका नाम था प्रशा ठीक है और यह प्रशा जर्मनी का सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट था मोस्ट पावरफुल स्टेट सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य था और बिस्मार्क यह चाहता था कि भैया पूरा का पूरा जर्मनी प्रशा की लीडरशिप में क्या करे एक हो जाए ठीक है पूरा का पूरा जर्मनी प्रशा की लीडरशिप में एक हो जाए यह काम कौन चाहता था यह चाहता था बिस्मार्क ठीक है चलिए वो जो बिस्मार्क था वो 1862 में प्रजा प्रशा का चांसलर बना ठीक है 1862 वो ईयर आता है जब भैया वो पहले प्रशा का चांसलर बनता है और उसके बाद में भाई साहब वो एक एक करके क्या करता है एक एक करके वो बाकी राज्यों को जीतता है साम दाम दंड भेद ठीक है चलिए वर्षाए अलग है परसा अलग है बेटा है ना दोनों अलग अलग है ना बेटा चलिए अब यहां पर जो ये होता है बिस्मार्क एक एक करके बाकी राज्यों को जोड़ने की कोशिश करता है वैसे ही जैसे उन पंद्रह अगस्त उन्नीस के आसपास सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं भारत के सभी राज्यों को आपस में जोड़ने की कोशिश इसीलिए सरदार पटेल को कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया ठीक है क्या कहते हैं उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया रिलिम भिडे ठीक है चलिए मैं लेट हो गई कोई बात नहीं चलिए अब यहां पर याद रखना इस बिस्मार्क को सबसे ज्यादा जैसे इटली को सबसे ज्यादा डर, डर था कि इटली को सबसे ज्यादा डर था कि भैया हमारा एकीकरण ऑस्ट्रिया नहीं होने दे रही है यहां पर भैया फ्रांस नहीं होने दे रहा था ठीक है सबसे ज्यादा डर फ्रांस का था क्योंकि फ्रांस में नेपोलियन का पावर इतना बढ़ रहा था ठीक है तो भैया फ्रांस से ये लोग डरते थे लेकिन यहां पर धीरे 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 इट जर्मनी एक तो हो गया लेकिन इस एक जर्मनी का शासक बनता है हिटलर एडोल्फ हिटलर ठीक है एडोल्फ हिटलर जब यहां का शासक बनता है तो भैया हिटलर की जो पार्टी थी नाजी दल अब देखो अब क्या होता है जब भी कोई तानाशाह व्यक्ति किसी देश का राजा बनता है किसी देश का वजीर बनता है तो भैया वो उस देश के अंदर एक डर दिखाता है वहां के लोगों को क्या करेगा एक डर दिखाएगा कि भैया अगर हमारा शासन नहीं आया तो भैया ऐसा हो जाएगा एडोल्फ हिटलर और उसकी पार्टी ने उस देश के अंदर एक कम्युनिटी रहती थी यहूदी यहूदियों का डर दिखाया पूरी दुनिया को हिटलर ने किसका डर दिखाया यहूदियों का डर दिखाया और इसी वजह से जर्मनी में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई एडोल्फ हिटलर ही वो व्यक्ति था जिस व्यक्ति की वजह से पूरा का पूरा यूरोप या यूँ कहें कि पूरा का पूरा वर्ल्ड था वो विश्व युद्ध के अंदर शामिल हो गया ठीक है एडोल्फ हिटलर ने भैया अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था इनकी एक आत्मकथा माई कल्फ ठीक है जो कि जर्मन में थी अंग्रेजी में कहेंगे से माई स्ट्रगल क्या था उनका नाम उसकी आत्मकथा का नाम था माई स्ट्रगल हिंदी में कहेंगे मेरा संघर्ष ठीक है यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करे एक पूरी दुनिया के अंदर हिस्ट्री में और कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है जहाँ पर यहूदियों का सामूहिक कत्ले आम किया जाता है एक साथ यहूदी को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता है नाजी दल क्या है नाजी दल बेटा इसकी पार्टी थी हिटलर की पार्टी थी नाजी दल और ये नाजी विचारधारा को फॉलो करते थे और इसी तरीके से ये जो हिटलर है एडोल्फ हिटलर है इन्हीं के नियमों की वजह से पूरी की पूरी दुनिया को वर्ल्ड वार के अंदर धकेला गया चलिए एक बार दोनों ही देशों को हम फिर से याद कर लेते हैं और जैसे यहां हिटलर हुआ है वैसे इटली के अंदर भी एक राजा हुआ था जिसका नाम था मुसोलिनी ये कहां पर हुआ था ये इटली का तानाशाह था जब जब किसी देश के अंदर अल्ट्रा प्रो देशभक्ति आती है देशभक्ति का एक तूफान आता है कि भैया अब की बार देशभक्ति के नाम पर वोट पड़ेंगे तो भैया उस देशभक्ति का चरम स्तर यह होता है बहुत पहले सुकरात ने यह कहा था कि राष्ट्रवाद एक ऐसा राष्ट्रवाद एक ऐसा जहर है अफीम के समान जो धीरे धीरे असर करता है प्रियंका ने पूछा है और यहां पर अमित ने पूछा है यहूदी ही क्यों टारगेट हुए यहूदी इसलिए टारगेट हुए क्योंकि भैया किसी ना किसी को तो दुश्मन बनाना ही है अगर मान लो मुझे चुनाव में लड़ना है और मैं किसी देश के अंदर हूं ठीक है इसको आप बाकी सारी जगह पे समझ सकते हो मुझे चुनाव लड़ना है और मुझे चाहिए सौ में से कम से कम इक्यावन वोट ठीक है और वहां पर दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ा धर्म है पच्चीस छब्बीस लोग एक धर्म के मैं उनको कर दू गद्दार घोषित मैं उनको कर दूं गद्दार, गद्दार। यहूदियों को उसने गद्दार घोषित कर दिया कि हम पहला विश्व युद्ध यहूदियों की वजह से हारे हैं यहूदी जब तक है जब तक हमारा देश नहीं बच सकता बाकी पिछहत्तर लोग एक साथ हो गए अब उन्होंने कहा धर्म खतरे में है इसलिए इसको वोट दो ठीक है समझ में आ गया चलिए ऐसा लगभग हर जगह होता है हर देश में होता है ठीक है ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है आप इतना ही समझ लीजिए यहाँ पर इटली का एकीकरण ने करा था ऑस्ट्रिया उसके में बाधा बन रहा था गैरीबाल्डी ने भैया लाल सेना ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आधे घंटे लेट आई है मनीषा पेनल्टी लगेगी ठीक है पूरी क्लास के अंदर चाय समोसे बटवा दे चलिए जर्मनी का एकीकरण हमने पढ़ लिया बेस्मार्क के लीडरशिप में उस समय वहां पर एक राज, राज्य हुआ करता था प्रशा उसका सबसे शक्तिशाली राज्य था वहां का चांसलर बना और उसके बाद में उसने साम दाम दंड के माध्यम से क्या करा चांसलर बना और इन्हीं मुसोनिनी और हिटलर ने मिलकर पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वार लगा दिया और पता है आपको जब वर्ल्ड वार हुआ तो अंत में इन दोनों की बहुत बुरी मृत्यु हुई ठीक है हिटलर ने तो आत्महत्या कर ली और जो मुसोलिनी है उसको पूरे परिवार को मार दिया गया जनता के द्वारा भीड़ के द्वारा आज भी जर्मनी के अंदर कोई विशेष इज्जत नहीं है ठीक है चलिए क्या चलिए तो अब चलते हैं भैया इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी और इटली के बाद में रूस की क्रांति रशियन रिवोल्यूशन चलिए भैया अगला पॉइंट है छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है रशियन रिवोल्यूशन रूसी क्रांति का और हिटलर का एकीकरण में कोई योगदान नहीं था लेकिन जो देशभक्ति की भावनाएं वहां पर जगी थी उस की भावनाओं के अंदर वो वहां के शासक बन गए थे रूस की क्रांति भैया याद रखना। रूस के अंदर जो शासक होते थे ये 1917 में हुई थी रूस के अंदर चार शासक होते थे ठीक है रूस के अंदर जार शासक होते थे और वो ही जार शासक भैया अपने आपको खुदा मानते थे कभी कभी लगता है अब पुनिच भगवान है इस टाइप के वो शासक होते थे किसी के बाप की वो सुनते नहीं थे तो भैया जार शासकों ने रूस के अंदर काफी ज्यादा अत्याचार करा उस अत्याचार के कारण रूस के लोग खड़े हो गए ठीक है तो यहां पर 1917 के अंदर अलेक्जेंडर द्वितीय अलेक्जेंडर सेकंड के नेतृत्व में रूसी क्रांति हुई जार शासकों को पकड़ा गया उनको मारा गया और भैया इस तरीके से रूसी क्रांति 1917 के अंदर हुई रूसी क्रांति जब हुई तो भैया वहां पर एक नया नेता उत्पन्न हुआ लेनिन कौन हुआ लेनिन और भैया लेनिन की एक आइडियोलॉजी थी जिसका नाम था सोशलिज्म समाजवाद ठीक okay, है याद एक्चुअली कार्ल मार्क्स का ये बहुत बड़ा फैन था कार्ल मार्क्स खुद जापान सॉरी जर्मनी का था लेकिन भैया सोशलिज्म जो विचारधारा थी वो कहाँ पर थी सामाजवाद या साम्यवाद जो विचारधारा थी वो कहाँ पर चालू हुई रशिया के अंदर चालू हुई थी क्या बात है अंकित भैया एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे सर चाय भी पी लेना टाइम पर आज तो बेटा क्लास के बाद ही पी पाएंगे घर पे और कोई है नहीं और मैं चाय पिलाने चल गया तो इन बच्चों चाय बनाने चल गया तो इन बच्चों का क्या होगा चलिए तो यहां पर रूसी क्रांति उसके पश्चात अगला जो टॉपिक है वो है तुर्की तुर्क तर, तुर्की के अंदर क्या हुआ तुर्की के अंदर क्या हुआ उसको देखते हैं देखिए आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री पढ़ चुके हो और इंडियन हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को हमने पढ़ाया था खिलाफत मोमेंट असहयोग आंदोलन के साथ में गांधी जी ने देखा ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक अच्छा समय है इसलिए भैया चला लेते हैं खिलाफत आंदोलन तो मुझे बताइए खिलाफत मोमेंट क्यों चालू हुआ बताइए बताइए गुरु माता नहीं है सर नहीं जी गुरु माता कहीं गई हुई है चलिए पूरी पंचायती करवा लो गुरु माता वाह चलिए बच्चों बताइए भैया इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए अमित ने एकदम सही बताया है तुर्की के खलीफा का अपमान तुर्की जो था तुर्की अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर देखेंगे तो रशिया तुर्की और रूस ये दो ऐसे आते हैं जो भैया एशिया के अंदर भी आते हैं यूरोप के अंदर भी आते हैं ठीक है तो यहां पर जो तुर्की था उस तुर्की को कहा जाता था पेशेंट ऑफ यूरोप ये कई बार पूछा गया है एक तुर्की को कहा जाता था यूरोप का मरीज तुर्की के जो राजा होते थे उन्हें कहा जाता था खलीफा तुर्की के राजा होते थे जिन्हें कहा जाता था खलीफा ठीक है खलीफा का मतलब क्या हो गया कि इनको पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को मानने वाले लोग इनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे पहले विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ तुर्की ब्रिटेन के शत्रु था ब्रिटेन के यहां के राजा का अपमान हो गया पूरी दुनिया ने पूरी दुनिया के जो मुसलमान है उन्होंने अपने धर्म का अपमान समझा भारत की तरफ से भी खिलाफत मूवमेंट हुआ था और ये जो खिलाफत मूवमेंट था इस खिलाफत मूवमेंट का पतन क्यों हुआ ये तो आपने बता दिया शाबाश अब मुझे बताओ खिलाफत मूवमेंट फेल क्यों हो गया या फिर खिलाफत मूवमेंट वापस क्यों ले लिया गया क्योंकि यहां पर खलीफा खुद जो थे जिनका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा खुद खलीफा ने कहा कि अब यूरोप के अंदर राजशाही नहीं होगी अब यूरोप के अंदर क्या होगी यूरोप के अंदर भाई साहब डेमोक्रेसी होगी इन्होंने एक पार्टी बनाई रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी ठीक है राजा की गद्दी छोड़ी और भैया वो बन गए उस देश के पहले राष्ट्रपति इन्होंने भैया इस देश के पहले राष्ट्रपति बन गए और इस तरीके से तर्की एक एग्जाम्पल बना जिस एग्जाम्पल के अंतर्गत जिस उदाहरण के अंतर्गत क्या हो गया कि भैया खुद एक राजा कह रहा है कि भैया राजशाही नहीं चलेगी अब यहां पर लोकतंत्र होगा उसने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया अनामिका कह रही है चोरी चोरा इंसिडेंट नहीं बेटा यही तो प्रॉब्लम होती है रिवीजन करते रहो वरना गड़बड़ हो जाएगी अगर दोहरान नहीं करोगे तो पता है क्या होगा फिर ऐसे होगा कि भैया अंग्रेजों ने क्या करा फिर कैसे याद करोगे बताए अंग्रेजों ने मां सीता का अपहरण कर दिया इसलिए द्रोणाचार्य चेतक के पद घोड़े पर चलकर युद्ध करने गए और 26 नवंबर उन्नीस को भारत को स्वतंत्रता मिली इसीलिए 26 जनवरी को होली का पर्व मनाया जाता है आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं ठीक है यानी कि रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसे ही चीजें थी गालमेल मेल होती रहेगी ई एम आर एस का फॉर्म कब तक आएगा अंजू पूछ रही है अंजू का है अंजू बेटा ई एम आर एस का फॉर्म जो फोन क्या मतलब फॉर्म बेटा आप लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही आएगा ठीक है चलिए याद रखना तो ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन था तुर्की का जिसके अंदर तर्की के राजा खुद ही अपने पद पर होता है चोरी चोरा तो भैया असहयोग आंदोलन के टाइम पर हुआ था इसलिए ठीक है अर्थ का अनर्थ मत करो ठीक है डर लगता है मुझे तुम्हारा है ना एक बार एक कॉलेज के अंदर दो बच्चे आंसर का डिस्कशन कर रहे थे पेपर होने के बाद में एक बच्चा कह रहा था 2.7 आंसर आया 2.7 आया दूसरा कह रहा है 2.7 पहला टू पॉइंट 2.71 आया दूसरा कह रहा है दोनों भयंकर बहस कर रहे होते तीसरा बच्चा वहां बैठा बैठा सोच रहा है मैंने तो आंसर 36 लिख के आया हूं ये 2.1 और 2.7 में लड़ रहे हैं जबकि भैया हम तो कहीं का रोड़ा कहीं का कोना भानुमती ने कु जोड़ा किसने रिवीजन करना है है ना नोट्स बना दिए हैं पढ़ लिए हैं लेकिन भैया वार त्योहार उनको देख लिया करो जैसे कल संडे है कल संडे है तो कल आप क्या करोगे है ना पढ़ लेना मैं सिर्फ इतना एग्जाम्पल बता रहा हूं सर प्रेसिडेंट का बता दीजिए ना हाँ बेटा ये सुल्तान के बाद अब ये क्या बन गया ये बन गया बेटा राष्ट्रपति ठीक है चलिए अब भैया आता है चीनी क्रांति ठीक है चीनी क्रांति चीनी रिवोल्यूशन चीनी चीनी कम है चीनी कम है वो उस चीनी का कोई लेना देना नहीं है ठीक है चीनी का मतलब क्या है चीनी का मतलब है, है चीन चीन के अंदर भी क्या हुआ था रिवोल्यूशन हुआ था चाइनीज रिवोल्यूशन 1911 के अंदर हुई थी 1911 के अंदर चीनी क्रांति हुई थी याद रखना बच्चों नोट डाउन करते रहिए 1911 के अंदर 1911 के अंदर भैया आपकी चीनी क्रांति हुई थी और इस समय चीनी रिवोल्यूशन को ठीक है जो चला था सर जी एक वीक का भजा कीर्तन होगी हमारे घर में अरे वाह बहुत बढ़िया संडे के दिन फिल्म डे होता है पूरे दिन ही फिल्म देखते हो चौबीस घंटे क्या बात है चलो कोई बात नहीं कभी कभी है ना भी करना चाहिए चीनी क्रांति का जो भूमिका मानी जाती है वो मानी जाती है सेन अपने देश के अंदर जो गांधी जी की इज्जत है ना वही इज्जत वही इज्जत चाइना के अंदर क्या था मुस्तफा कमाल के आगे बेटा पाशा लिखा हुआ था पताशे वाले पा पताशा में ताको हटा देना ठीक है सेन ने को माना जाता है सेन ने भैया एक क्रां एक दल की स्थापना करी थी जिसका नाम था तुंग इसने भैया एक दल एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था तुंग ध्यान से देखना तुंग और उसके बाद में आगे मैंग तुंग मेंग इनकी पॉलिटिकल प्रांत पार्टी थी सन्यात सेन को कहा जाता है चीन का राष्ट्रपिता ठीक है चीन का राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन ठीक है देखो कितने सारे देश के बाप मैंने बता दिए तुमको फ्रांस का नेपोलियन भारत का महात्मा गांधी पाकिस्तान का ठीक है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है चलिए उसके बाद में भैया यहां पर चीन को पहले कहते थे पहले चीन का नाम होता था एशिया का मरीज जैसे तुर्की को कहते थे ना यूरोप का मरीज लेसे ही पहले चीन को करते थे एशिया का मरीज लेकिन उसके बाद में चीन के लोगों ने बहुत मेहनत करी हम चीन से लड़ाई झगड़ा तो करते हैं ठीक है सर ये रशियन से पहले हुआ था ना हाँ पहले हुआ था ठीक है जरूरी नहीं है सिक्वेंस मैंने क्रोनोलॉजी के हिसाब से करा है चलिए सर संडे के दिन एक फिल्म और एक सीरियल पूरा करके ही छोड़ते हैं अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत आगे जाओगे बच्चों ठीक है तो यहां पर याद रखना इसके बाद में साम्यवादी शासन चालू करते हैं माउत से तुंग ठीक है माउत से तुंग होते हैं वो भैया चीन के अंदर साम्यवादी शासन को चालू करते हैं चीन के अंदर साम्यवादी शासन की स्थापना का श्रेय किसको जाता है भैया ये जाता है माउत से तुंग को माओ से तुंग वो व्यक्ति होते हैं जिनको चीन के अंदर साम्यवादी क्रांति करने का श्रेय जाता है ठीक है बच्चों चलिए आगे चलते हैं आगे आपको बताते हैं वाओ ठीक है याद रखना माउत से तुंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों उसके बाद में चीन के अंदर 1921 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होते हैं ठीक है चलिए अरे बेटा रशियन क्रांति है रूसी क्रांति 1911 के अंदर यहां पर एक पार्टी का गठन होता है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनी पार्टी मत कर देना के? मजे लेता हो तुम 1921 सॉरी 1921 कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है और चीन एक दलीय शासन होता है चीन में क्या है एक दलीय शासन जैसे भारत के अंदर अभी चुनाव हो रहे हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पो, पार्टी है लेकिन चीन के अंदर वन पार्टी सिस्टम है चीन के अंदर एक पार्टी सिस्टम है तुम लोग बहुत बेकार हो बच्चों है ना सबसे पहले चीन सिक्का और कागजी मुद्रा सबसे पहले दुनिया के अंदर सिक्का और कागजी मुद्रा कोइन और पेपर करेंसी कहां स्टार्ट हुई थी ये बेटा चाइना के अंदर ही हुई थी पेपर करेंसी आपके चीन के अंदर ही हुई थी और जब चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी पता है चीन को पूरी तरीके से आजादी कब मिली थी 1949 में हमारे से दो साल बाद में ऐसा लग रहा था कि चीन विकास नहीं कर पाएगा लेकिन चीन क्रांति को चल। सर ये सब चीजें अब डेमोक्रेसी के कारण ही खत्म हुई या फिर कोई रीजन है हाँ? बेटा यही है और चाइना में तो आज भी वन पार्टी सिस्टम ही है से तुंग जो अभी चाइना सॉरी शी जिनपिंग जो अभी चाइना के आ, लीडर बने हुए हैं उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि मेरे जीते जी तो यही रहेगी चलिए एक बार चाइनीज रिवॉल्यूशन देख लेते हैं 1911 में सन्यात सेन ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था तुंग मिंग सन्यात सेन को राष्ट्रपिता कहा जाता था चीन पहले एशिया का मरीज कहता था चलिए उसके बाद में यहाँ पे साम्यवादी शासन आया और उसके बाद में 1921 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी चाइना के अंदर एक दल का शासन स्टार्ट हुआ चाइना के अंदर एक दल का शासन स्टार्ट हुआ और आज चाइना क्या है हमारे से बहुत आगे है हम लोग कहते तो हैं देशभक्ति अपनी जगह है हम सब कहते हैं जिसकी चिड़िया जैसी आंख नहीं वो आंख मुझे दिखलाता है लेकिन सच्चाई यह है कि आज के टाइम में अगर चाइना के लीडर से कोई पूछता है कि भैया आपको क्या लगता है इंडिया और आप में कौन आगे है तो पता है वो क्या आंसर देते इंडिया इंडिया आप हमको इंडिया से कंपेयर कर रहे हो हम भैया इंडिया से कंपेयर नहीं है वी आर कंपेयरिंग आवर सेल्फ विथ यूएस हम अपने आप को अमेरिका से करना कर रहे हैं यहां तक कि साम्यवाद का जो सबसे पहला देश था रूस आज रूस से भी आगे निकल गया है चीन ठीक है चीन ने हमारे देश को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया है 1961 के आसपास जब हम भारत के लोग नारा लगा रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई वो भैया हम पर युद्ध थोप देते हैं अपनी मर्जी से लड़ाई करते हैं बहुत सारा हमारा हिस्सा छीन लेते हैं लेकिन ये सब चीज़ें भारत में हैं तो भैया इसी के साथ ये क्या है सुनाना बहुत बुरी बात लगती है मुझे तो बच क्या करूं क्या हुआ चलिए तो इस तरीके से भैया हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी कर ली है आपको जब से मैंने पढ़ाना चालू करा है इस सीरीज के अंदर तब से हमने मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत और विश्व इतिहास दोनों बड़े बड़े टॉपिक हमने पूरे कर लिए हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे और कल संडे है अगर किसी बच्चे की कोई क्लास छूट गई हो तो भैया वो देख लीजिएगा और मंडे से हम फिर से एक टॉपिक चालू करेंगे आज सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार मेरे लिए और आप तुम्हारे अंकित भैया के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए फिर मुलाकात होगी तब तक अपना अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए जय श्री कृष्णा